डियर स्टूडेंट, मैं बिरबल प्रसाद आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ नाउन का बेसिक वीडियो, जो आपके बाकी के जो इम्पोर्टेंट ग्रामर के चैप्टर है उसे पढ़ने में और समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ये नाउन, जो हमारा ये वर्ड है, ये कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है। तो नाउन शब्द की उत्पत्ति बोले तो इसको सबसे पहले, ये हमारा एक लैटिन भाषा है, एक लैटिन लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के नोमन से हुई है। यानी कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि नाउन जो हमारा शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति किसी दूसरे पर्टिकुलर लैंग्वेज जिसका नाम है लैटिन, उसके नोमन से हुई है। नोमन का इंग्लिश मीनिंग, अगर हम नोमन को इंग्लिश में देखें कि नोमन जो हमारा लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, तो इंग्लिश मीनिंग इसका नेम होगा। यानी नोमन का जो अर्थ लैटिन लैंग्वेज में होता है वही अर्थ इंग्लिश लैंग्वेज में नेम, और हिंदी अर्थ बोले तो हिंदी भाषा में इसका अर्थ नाम होता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नाउन को ब्रीफली थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स इसलिए कहते हैं कि ये जो नाउन जो होता है ये नाम बताने वाला शब्द होता है। इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कई बार कह देते हैं। चलिए नाउन का एक और डिफिनेशन देख लेते हैं, जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कन्फर्म, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया, इट इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड। मतलब ये आपको समझ में आया कि नाउन है जो किसी पर्सन का नेम या फिर किसी एनिमल का नेम या फिर कोई प्लेस का नेम या फिर कोई ऐसी आइडिया, कोई ऐसी विचार, उसका नाम होता है और इसे हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। देखिए इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे साक्षी, ये हमारा कोई पर्सन है, उसका नेम है। ठीक उसी तरह से अगला एग्जांपल है डॉग, ये कोई भी एनिमल का नेम है। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा पटना है, जो कोई प्लेस है। ठीक इसके आगे पेन है, ये कोई थिंग है, कोई थिंग्स की नाम है। और नेक्स्ट उसके बाद वाला और लास्ट का एग्जांपल है ऑनेस्टी, जो कि एक तरह की आइडिया है, एक तरह की विचार है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नाउन होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी व्यक्ति या फिर जानवर या फिर स्थान या फिर वस्तु या विचार के नाम को कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो नाउन के जो टाइप्स हैं, बहुतों टाइप्स हैं, और नाउन के बहुत सारे टाइप्स हमारे ग्रामेरियन ने बहुतों प्रकार से, बहुतों तरह से किया है। तो हम देखेंगे एक एक करके कि नाउन के कितने टाइप्स किस अप्रोच से होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कन्वेंशनल अप्रोच। कन्वेंशनल अप्रोच बोलें तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल था, यानी सबसे फर्स्ट टाइम में जो नाउन के काइंड्स होते थे, उस अप्रोच के हिसाब से नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, जो आप लोग को पहले से पता है। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन, और दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, और चौथा हमारा मटेरियल नाउन, और पाँचवा हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक इसी तरह से काउंटिंग अप्रोच के हिसाब से देखेंगे नाउन को, हम दूसरे अप्रोच यानी काउंटिंग गिनती के हिसाब से देखेंगे तो नाउन के यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन, यानी ऐसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, और दूसरा हमारा जो टाइप्स है इसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम इसे एक और अप्रोच से देखेंगे नंबर के हिसाब से, कि नंबर के हिसाब से नाउन के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंगुलर नंबर का एक नाउन होता है और एक होता है प्लुरल नंबर का नाउन। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसके आगे सिलेबल के हिसाब से, यानी इसके जो टुकड़े होते हैं, जो इससे बने होते हैं, खंड के हिसाब से नाउन के टाइप्स। तो पहला टाइप है सिंगल नाउन, यानी ऐसा नाउन जो सिंगल सिलेबल से बना हो, जिसका उच्चारण करने में एक सिंगल सिलेबल का यूज हुआ हो, जैसे काऊ,
गर्ल। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट जो टाइप है यह है कंपाउंड नाउन। अगर इस तरीके के जो नाउन होते हैं इसका जो फॉर्मेशन होता है, जो इसकी बनावट होती है, ये एक से ज़्यादा सिलेबल से बने हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे एक नाउन है फादर इन ला, आपने देखा यहाँ पे ये कंपाउंड नाउन है क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये थ्री सिलेबल वाला है, फादर इन ला। ठीक है, तो इस तरीके के जो सिलेबल होते हैं, एक से ज़्यादा सिलेबल वाले नाउन होते हैं, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक इसी तरह से पासबुक, और नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट का एग्जांपल मैंने दे रखा है गर्लफ्रेंड। क्लियर, तो आपने यहाँ पे देखा नाउन के ढेर सारे अप्रोच अभी और हैं, बहुतों टाइप से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहला जो अप्रोच था हमारा कन्वेंशनल अप्रोच था, इसके हिसाब से नाउन के जो पांच भेद होते थे उसको हम एक एक करके ब्रीफली देखेंगे। तो पहला हमारा टाइप था, टाइप है प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इसके नाम में ही सारी की सारी जितना भी राज है इस नाउन का सारा इसके नाम में ही छुपा है। जैसे ही हम बोले प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है स्पेशल, पार्टिकुलर्स यानी विशेष रूप से। तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो पार्टिकुलर पर्सन, किसी खास, किसी विशेष प्रकार के पर्सन या फिर विशेष प्रकार के एनिमल या विशेष प्रकार के प्लेस या थिंग का नाम होता है। तो देखते हैं एग्जांपल में गंगा, गंगा एक विशेष प्रकार की नदी है, उसका नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा। नेक्स्ट हमारा है पटना, पटना भी एक विशेष प्रकार की पार्टिकुलर, एक अलग, एक पार्टिकुलर टाउन है, तो उसको वो एक प्लेस है तो उसका नाम है, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है जनवरी, तो ये भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है। ठीक इसी तरह से हिमालय, अब यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे दो आपका सेंटेंस दे रखा हूँ, इसके थ्रू मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसको आप सेंटेंस के कहीं भी, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर नाउन को आप सेंटेंस के शुरू में, बीच में या फिर लास्ट में कहीं पे आप यूज करेंगे तो प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, यानी प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में प्रॉपर नाउन लिखा जाए या फिर बीच में या फिर लास्ट में। यहाँ पे तो मैंने शुरू में दे रखा है गंगा इज अ होली रिवर, तो आपने यहाँ पे देखा गंगा एक प्रॉपर नाउन था और इसे हम कैपिटल लेटर से शुरू किए हैं जी, ये हमारा सेंटेंस पहला सही है। दूसरा सेंटेंस है गंगा इज अ होली रिवर, इसमें जो गंगा का जो स्टार्टिंग है ये स्मॉल लेटर से शुरू हुई है, इसीलिए पार्टिकुलर सेंटेंस गलत होगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है ये हमारा है कॉमन नाउन। इसका यानी इस नाउन का भी डेफिनेशन और इस नाउन की पूरी कहानी इसके नाम में ही छिपा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि कॉमन नेम, यहाँ पे आपने देखा प्रॉपर नाउन का मतलब प्रॉपर नेम, कोई खास नाम, ठीक उसी तरह से कॉमन नाउन का मतलब हुआ कॉमन नेम, यानी कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल या प्लेस का एक कॉमन नाम होना चाहिए, एक जनरल नाम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है आपके लिए, द नेम ऑफ पर्सन एनिमल और थिंग इन जनरल, मतलब कोई जनरल में कॉमन होना चाहिए, उसके सारे ग्रुप को, सारे उसके जाति को बताता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल है रिवर, तो रिवर कहने से एक जनरल बात हो रही है कि जितने सारे रिवर हैं, यानी वर्ल्ड में जितने सारे रिवर हैं सारे की सारे बात की जा रही है, तो यहाँ पे रिवर हमारा कॉमन नाउन होगा। ठीक उसी तरह से टाउन की बात करें तो टाउन बोलने से भी हमें पता चल रहा है कि पूरी की पूरी टाउन की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा कॉमन नाउन होगा। और ठीक इसी तरह से दो और एग्जांपल दिए हुए हैं आपका मंथ और माउंटेन, मंथ से सारे मंथ के बारे में पता चलता है, ठीक इसी तरह से जब आप माउंटेन कहेंगे तो दुनिया के जितने सारे माउंटेन हैं सभी का एक जनरल नाम है, एक कॉमन नाम है,
उसको हम कहेंगे, तब वहाँ पे ये माउंटेन हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपने बोला दिल्ली यूनिवर्सिटी, पहला एग्जांपल देखिएगा, जैसे ही आपने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपने किसी एक ख़ास यूनिवर्सिटी का नाम बताया, कोई प्रॉपर कोई स्पेशल जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम बताया। तो जैसे ही आपने स्पेशल की बात की तो वो हमारा कॉमन, ये वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक उसी तरह से आपने सिर्फ कहा यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत सारे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छोड़कर वर्ल्ड में बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं। तो जैसे ही आपने सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी कहा तो वो जो आपने कॉमन नाउन के कैटेगरी में जाएगा यूनिवर्सिटी। दूसरा एग्जांपल देखिए इंडिया, आपने किसी एक ख़ास कंट्री, एक विशेष प्रकार की कंट्री की बात की, तो ये हमारा प्रॉपर होगा क्योंकि आपने स्पेशल की बात की। ठीक उसी तरह से इधर जो एग्जांपल है कंट्री, ये कंट्री कहने से वर्ल्ड की जितनी सारी कंट्री है सभी का पता चलता है, तो ये हमारा कॉमन नाउन होगा। तीसरा एग्जांपल देखिए इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये किसी एक पर्टिकुलर ओशियन की बात की जा रही है, यानी जो हमारा ओशियन है वर्ल्ड में जितने सारे ओशियन है उसमें से एक और विशेष प्रकार के जो स्पेशल टाइप के ओशियन है उसकी बात की जा रही है, इंडियन ओशियन, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा। और ठीक दूसरे तरफ देखेंगे तो सिर्फ ओशियन कहने से वर्ल्ड में जितने सारे ओशियन है सभी को बताया जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे आपका जो ओशियन होगा कॉमन और यहाँ पे इंडियन ओशियन आपका प्रॉपर नाउन होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट में कलेक्टिव नाउन। अब देखते हैं ये जो नाउन होता है इसके नाम में भी, इस नाउन के सारे जो डिफिनेशन है वो सारे के सारे इसके नाम में ही है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट मतलब होता है जमा करना, समूह में करना, तो ठीक उसी तरह से इस नाउन का डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके का है। कहता है नेम ऑफ द गैदरिंग ऑफ पर्सन। गाइज यहाँ पे जो गैदरिंग जो वर्ड है इसका मतलब होता है समूह में बनाना, एक जगह जमा होना। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ऐसा नाम जो कि गैदरिंग ऑफ पर्सन हो, किसी व्यक्ति के समूह को बताए, या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स या फिर वस्तुओं के जो समूह है उसको बताए, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, पहला एग्जांपल आपका है क्लास, तो आपने क्लास में देखा बहुत सारे बॉयज और गर्ल हैं, तो वहाँ पे पर्सन की गैदरिंग की गई है, मतलब बहुत सारे पर्सन हैं उसकी गैदरिंग की गई है, उसका समूह बनाया गया है और उस पर्टिकुलर समूह को हमने एक अलग से नाम दिया है क्लास, तो ये जो क्लास होगा हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक उसी तरह से टीम, टीम में भी बहुत सारे पर्सन होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ भी मेंबर्स यानी पर्सन की गैदरिंग की गई है, उनका समूह बनाया गया है और उसका अलग से एक नाम दिया गया है टीम, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। उसी तरह से ठीक आगे देखते हैं बंच, बंच का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं को एक जगह सजाकर एक ग्रुप बनाया गया है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका अलग से नाम है बंच, तो यहाँ पे भी कलेक्टिव होगा। ठीक है प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है बारात। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रोसेशन जो वर्ड है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। प्रोसेशन वर्ड का मतलब होता है बारात, जब कोई भी व्यक्ति की शादी होती है तो वहाँ से जो बारात होता है, बारात जो जाता है उस पर्टिकुलर जो चीज़ें होती है उसको हम प्रोसेशन कहते हैं। या फिर प्रोसेशन का एक और मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई रैली निकलती है बहुत सारे आदमियों की जो वो जाते रहते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर जो प्रोसेस बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोसेशन।
तो ये भी क्या है, ये भी गैदरिंग ऑफ पर्सन है, तो ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक इसी तरह से गैंग, गैंग क्या होता है, चोरों की गैंग या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स, कोई भी चीज़ें, तो वहाँ पे भी गैदरिंग की गई, वहाँ पे भी कलेक्शन हुआ, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये भी हमारा नाउन कलेक्टिव नाउन ही होगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिया है, लॉन्ग एग्जांपल से समझाने की आपको कोशिश की है। कहता है ये गैंग ऑफ डकैट्स लूटेड द ट्रेन, कहता है कि जो डकैट की जो एक गैंग था, एक समूह था, उसने ट्रेन को लूट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैंग है ये हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे गैंग, इसका मैं यहाँ पे हिंदी भी लिख रखा हूँ, और दूसरा आपको एग्जांपल है डोंट रोम। गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोम मतलब होता है ऐसे ही बिना मतलब के इधर उधर घूमना, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग रोम बोलते हैं। तो यहाँ पे कहता है डोंट रोम इन द ग्रुप ऑफ लोफर, कहता है ये लफुआ, जो लोफर है, ये लफुओं की टोली में मत घूमो, मतलब इधर उधर मत जाओ। तो यहाँ पे जो इस सेंटेंस में जो कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है वो हमारा है ग्रुप। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे देखिए फोर्स, तो यहाँ पे बहुत सारे उसमें सैनिक होंगे, तो यहाँ पे ये भी कलेक्टिव नाउन हुआ। नेक्स्ट देखिएगा गिव मी ए पैक ऑफ बिस्किट्स। अब यहाँ पे बिस्किट्स है, तो बिस्किट्स के पैक की बात किया जा रहा है, तो पैक का मतलब होता है बंडल, जिसमें बहुत सारे बिस्किट्स को गैदरिंग की गई है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग पैक को भी कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं चौथा टाइप की ओर, हमारा है चौथा टाइप मटेरियल नाउन। देखिएगा मटेरियल नाउन किसको कहते, कहता है एनी थिंग्स, कोई भी चीज़ दैट इज मेजरेबल। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे देखिए मेजर वर्ड का मतलब होता है मापना, या फिर अपनी भाषा में कहें तो नापना, और यहाँ पे ए बी एल ई लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ है मापने लायक, यानी जिसे हम माप सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एनी थिंग डैट इज मेजरेबल और पेटेबल, मतलब जिसे हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं। और आपने बचपन में इसकी डेफिनेशन ज़रूर पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कि मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। तो आपने तो पढ़ा है ज़रूर, लेकिन आगे के कोर्सेज को ओवरव्यू देने के लिए मैंने आपको नाउन को एक ब्रीफली समझाने का प्रयास किया है। तो मटेरियल नाउन को आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे स्टार में लिखा हुआ है कैन बी मेजर्ड, मतलब मटेरियल जो नाउन होते हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं, और वेटेड या फिर तौल सकते हैं, बट कैन नॉट बी काउंटेड, लेकिन गिन नहीं सकते। मैंने आपको यही चीज़ अभी बताया और उसको यहाँ पे रिटेन यानी टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसका एग्जाम्पल है मिल्क, तो मिल्क को हम नाप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, लेकिन गिन तो नहीं सकते ना। तो आपको ये क्लियर होगा, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, मैं एक बार बोल देता हूँ सिर्फ। मिल्क, बटर, गोल्ड, ऑयल, सिल्क और टी, ये सारे के सारे हमारे मटेरियल नाउन हैं। चलिएगा और पाँचवा देखिएगा अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं, तो एनी थिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसे छुआ नहीं जा सकता, और सीन बट कैन बी फेल्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अबस्ट्रैक्ट जो नाउन होता है जिसको हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मटेरियल नाउन जो अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है उसे हम देख नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं होता, उसका कोई मतलब कोई शरीर नहीं होता जिसे आप देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका दिल और दिमाग अनुभव कर सकता है उस पर्टिकुलर आइडिया को। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आइडिया के नाम को भी नाउन कहते हैं। तो जो आइडियाज होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, जो दिल में होते हैं, उसको हम बेसिकली अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं।
जैसे देखिएगा लव एग्जाम्पल में दिया हुआ, तो प्यार जो होता है, प्यार को आप देखते नहीं, वो आपके दिल महसूस करता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन से हमें प्यार है या फिर ये व्यक्ति हमें प्यार करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट नाउन। ठीक उसी तरह से हेट, हेट का मतलब होता है नफरत। तो नफरत कोई वस्तु नहीं जिसे आप देख लोगे, नफरत कोई चीज़ नहीं जिसे आप छू सकते हो, इसको सिर्फ और सिर्फ आप अनुभव करोगे अपने दिल में किस पर्टिकुलर पर्सन से हमें नफरत है। ठीक उसी तरह से पीस, पीस का मतलब है शांति। तो शांति को भी आपने कभी देखा क्या कितनी बड़ी होती है? ओ मैं लड़की की नाम नहीं बोल रहा हूँ शांति का, यहाँ पे पीस का मतलब है जो शांति, जो शांत का जो सिचुएशन होता है, हम लोग एक दूसरे से जो भाईचारा का माहौल बनाते हैं, तो वो तो ये चीज़ें हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। तो ये भी एक विचार है जो हमारी मम्मी के पास होती है। आप हमेशा ऐसे कहते हैं कि उसकी जो मम्मी है, उसकी जो माँ है, बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा दयालु है, और हर एक माँ काइंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे काइंडनेस भी हमारा क्या हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक उसी तरह से यहाँ पे फ्रेंडशिप, कहने का मतलब मित्रता। तो आप इसको भी तो नहीं देखते ना, ये कोई वस्तु थोड़ी नहीं है मित्रता जिसे आप देखोगे, ये आपके दिल में अनुभव होता है कि राम मेरा दोस्त है, उससे मेरी अच्छी मित्रता है। तो ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन था। अब चलते हैं काउंटिंग अप्रोच की तरफ। नाउन के बहुत सारे टाइप हैं गाइज, बहुत सारा भी, और काउंटिंग अप्रोच हुआ, उसके बाद सिलेबल का अप्रोच हुआ, उसके बाद और है, और सारे नाउन के टाइप्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बेसिक बताऊँगा ताकि आगे के कोर्सेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। काउंटिंग अप्रोच के हिसाब से नाउन का मैंने पहले बताया है दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है काउंटेबल नाउन। देखिए है तो बहुत इजी टॉपिक्स, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इसमें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काउंट का मतलब होता है गिनना, ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पे एबल वर्ड है जिसका मतलब होता है लायक, मतलब गिनने लायक। यानी काउंटेबल नाउन उस पर्टिकुलर नाउन को हम बोलेंगे जो चीज़ या फिर जो नाउन गिनने लायक होगा। यहाँ पर डेफिनेशन देखिएगा, कहता है नाउन डोज कैन बी काउंटेड, मतलब ऐसा कोई नाउन जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया गया बॉय, अब बॉय को तो गिन ही सकते हैं ना, एक बॉय, दो, तीन, चार, ऐसे, ठीक है ना। उसी तरह से कैट, आप कैट को भी तो गिन सकते हैं, और ये पेन। तो ये हमारे क्या हुए, काउंटेबल नाउन हुए। मैं आगे बताऊँगा, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली बता दे रहा हूँ, कुछ सिंगुलर टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल, प्लूरल टेक्स प्लूरल वर्ब। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल वर्ब लेता है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि योर पेन, आपका पेन की बात की गई, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज सिंगुलर वर्ब आया है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए डॉग्स, ये प्लोरल है, तो इसके साथ प्लोरल वर्ब आर का यूज किया गया है, डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट। तो कहने का सीधा मेरा मतलब ये था कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लोरल के साथ प्लोरल। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हाउ मैनी कैंडल्स, तो कैंडल्स यहाँ पे प्लोरल वर्ब है, प्लोरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ प्लोरल वर्ब का यूज किया गया है, कैंडल्स के साथ आर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो इसको भी इसी तरीके से देखेंगे, अनकाउंटेबल का आप लोग स्पेलिंग यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, UNCOUNTABLE होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सी आपका मिसप्रिंट है। तो अनकाउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जो कि गिन नहीं सकते, नाउन दोज कैन नॉट बी काउंटेड। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, जैसे मिल्क, आप मिल्क को गिन सकते हैं क्या? नहीं ना। ठीक उसी तरह से काइंडनेस, बाटर, लव, ये सारे चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, तो ये पर्टिकुलर जो नाउन होंगे वो अनकाउंटेबल के कैटेगरी में जाएगा। गाइज ये वीडियो देखने के बाद यहाँ पे आपको क्यूज मिल जाएगा, उसको ज़रूर कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल रहा है नीचे, यहाँ पे आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना होगा तो। अब यहाँ पे देखिएगा नोट में लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल को तो हम गिन ही नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल जो नाउन होता है वो सिंगुलर
सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, देयर इज नो मोर वाटर इन द रिवर, मतलब नदी में और ज़्यादा पानी नहीं है। आपने यहाँ पे देखा वाटर यूज किया गया है अनकाउंटेबल नाउन और उसके लिए वर्ब देयर के बाद यूज किया गया है इज, जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक उसी तरह से ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हमारा एक प्रकार का आइडिया है, इसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हैं और इसको हम गिन नहीं सकते, इसीलिए हम इसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, ए ट्रूप ऑफ आर्मी, मतलब आर्मी का जो एक दल है, एक ट्रूप है, इज एक्सरसाइजिंग इन द फील्ड, मतलब वो मैदान में अभ्यास कर रही है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आर्मी सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है गाइज, तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।